नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज में हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं खबर की। रायसेन जिले के जाने माने बबलू मीणा माना ढाबा वालों का रायसेन जिला पंचायत में निर्वाचित निर्विरोध अध्यक्ष बनाए जाने पर एवं नगर सुल्तानपुर में प्रथम बार आगमन पर नगर सुल्तानपुर के भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। बबलू मीणा जिला रायसेन के निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बनाए गए। उनकी साफ सुथरी छवि एवं कुशल व्यवहार को देखते हुए उनका चुनाव जिला पंचायत अध्यक्ष पर निर्विरोध हुआ। जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद नगर सुल्तानपुर में प्रथम बार बबलू मीणा का आगमन हुआ। तब अनेकों कार्यकर्ताओं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जनों एवं कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा श्री मीणा को हार फूल पहनाई गई एवं श्री विनोद चौधरी द्वारा श्रीफल और शाल मीणा को भेंट किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष बबलू मीणा ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि मेरा प्रथम कार्य रहेगा कि एक अच्छी टीम के साथ जिला रायसेन का प्रतिनिधित्व करूं और जो भी सरकार की गरीबों के लिए सरकारी योजनाएं हैं उन्हें उन तक समय से पहुँचाने एवं उनका लाभ दिलवाने का प्राथमिकता मेरी रहेगी। सुल्तानपुर से संवाददाता सुनील चौधरी की रिपोर्ट। नवीन भैया और साहब जिंदाबाद। शासन पूर्व सुविधा है ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि जिला पंचायत जो है वो ग्रामीण क्षेत्र का एक मामला होता है, तो जो भी हमारी विकास की जो भी चीज़ें होती हैं सुचारू रूप से जनता तक पहुँच जाए। पूरी योजनाओं का लाभ आप किस तरीके से जनता को देंगे? हम जितनी भी शासन की जो भी योजनाएं हैं, चाहे शौचालय हो, चाहे नाली हो, चाहे मकान हो, आवास वाली जितनी भी चीज़ें हैं, तो सब अगर बाधाओं के अधिक से अधिक मात्रा में गरीबों तक पहुँच जाए। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।